नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर और रेकी मास्टर, आप सबका अपने शो में हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं अंबाला कैंट से हूं और जैसा कि समय समय पर हम अलग अलग विषयों पर बात करते आए हैं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आप सबके लिए लेके आई हूं और जिसका आपने नाम भी सुना होगा कि ऑरा। लेकिन ऑरा की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ होता है ऑरा, कैसा होता है ऑरा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। ऑरा का हमारे जीवन में बड़ा गहरा संबंध है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका अर्थ और प्रकार बताना चाहूंगी। ऑरा का अर्थ क्या है? लैटिन भाषा में ऑरा का अर्थ है सदैव गतिशील, सदा बहने वाली हवा, और इसी अर्थ के मुताबिक ये सदैव गतिशील भी होती है। अर्थात ऑरा आपकी कभी कभी बढ़ती भी है और कभी कभी सिमट भी जाती है। विभिन्न देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में इसे आभामंडल, प्रभामंडल या ऊर्जा मंडल कहा जाता है। प्राणियों का शरीर दो प्रकार का होता है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जन्म के बाद हम देख पाते हैं, जो सामने दिखाई पड़ता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं और इसी से हम सभी कार्यों को संपादित करते हैं। सभी सुख दुख हम इसी स्थूल शरीर से भोगते हैं, सभी क्रियाएं हम इसी स्थूल शरीर से करते हैं। और इसके अतिरिक्त एक प्राणमय और ऊर्जावान और भी शरीर होता है, जो हमारे शरीर के चारों ओर प्रकाश के रूप में रहता है, जिसे हर किसी के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। इसे जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति भी कहते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, इस प्रकाशमय शरीर का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? इसका कार्य है सारे शरीर में, नस नाड़ियों में प्राण वायु के प्रवाह को नियंत्रित करना और ऊर्जा प्रदान करना। जब यह हमारी प्राण वायु कमजोर हो जाती है तो हम बीमार होने लगते हैं और बिल्कुल कमजोर होने पर हम मृत भी हो जाते हैं, जीने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आपने अपने घरों में सभी ने इष्ट देवी देवता के चित्र रखे होंगे, ऑफिसेज में होते हैं इष्ट देवी देवता के चित्र, तो आपने उसके पीछे एक सफेद रंग का प्रकाश देखा होगा और कभी कभी यह सतरंगी प्रकाश भी होता है। इसी का नाम ऑरा है। एक गोलीय चक्र के रूप में प्रतिबिंबित रहता है यह आभामंडलीय। सब किसी का अलग अलग होता है, हर प्राणी का, जीव जंतु का, पशु पक्षी का, सभी का अपना एक आभामंडल होता है। हर मनुष्य का आभामंडल दूसरे मनुष्य के आभामंडल से अलग होता है और इसीलिए एक प्राणी दूसरे प्राणी से प्रभावित होता है। हमें हमेशा अपने आभामंडल को स्ट्रांग बना के रखने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हम निरोगी रहें, हमारा आभामंडल स्ट्रांग रहे, क्योंकि एक स्वस्थ आभामंडल जो है आपको बहुत सारी बीमारियों से तो बचाकर रखता ही है। और आपके सहज ही अगर आभामंडल आपका स्ट्रांग होगा तो सभी कार्य बनने लगेंगे और किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। यहाँ तक कि एक ऊर्जावान और सशक्त आभामंडल वाले व्यक्ति पर कोई जादू टोना, जंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रिया इत्यादि असर नहीं करती है। इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करें? इसे स्ट्रांग बनाने के लिए शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया है कि तुलसी की पूजा कीजिए, वट वृक्ष की पूजा कीजिए, पीपल की पूजा कीजिए, गाय को स्पर्श कीजिए, गाय को दान कीजिए इत्यादि, और नमक इत्यादि का प्रयोग भी आभामंडल को साफ करने के लिए किया जाता है। अपने दूसरे सेक्शन में मैं बात करूंगी कि आभामंडल को किस प्रकार से साफ किया जाए, वे अन्य विधियां आपको समय समय पर मैं बताती रहूंगी। हमें अपने आभामंडल को स्ट्रांग करना है और शास्त्रों में ये जो वर्णित बातें हैं जिन्हें हम आज छोड़ चुके हैं, अंधविश्वास कह चुके हैं, और उन्हें हमें पुनः अपनाना होगा, क्योंकि इन चीजों का जो आभामंडल है वह इतना शक्तिशाली है कि हम इनके पास जाते ही तुरंत अपने आप को चार्ज्ड फील करने लगते हैं और ये हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्त करते हैं। इसीलिए इनका पालन और इनका स्पर्श जो है वह अनिवार्य बताया गया है। इसके अलावा आभामंडल कमजोर कब पड़ता है? जब हम अपने गलत विचार रखने लगते हैं, गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, छल कपट इत्यादि मन में भाव लेकर आते हैं, तब हमारा आभामंडल
कमजोर होने लगता है। जब हम दूसरों को सताते हैं, और एक वो कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, कैसा भी भोजन खा लेना, कहीं पर भी खा लेना, किसी के भी हाथ का खा लेना, ये हमारे आभा मंडल को कमजोर करता है। जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी, तो अपने खाने पीने का, आहार का, अपनी संगत का आप कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि अगर उन्नत आभा मंडल वाले लोग इस भूमंडल पर विचरण करते हैं तो बहुत कमजोर आभा मंडल वाले लोग भी यहीं पर विचरते हैं। हम कैसे लोगों से मिलते हैं, क्या बातचीत करते हैं, उनके साथ हमारे कैसे संबंध है, यह बात हमारे आभा मंडल पर बहुत प्रभाव डालती है। तो हमें अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, अच्छे आभा मंडल का निर्माण करने के लिए अपने संगत और अपने आहार विहार को बहुत ध्यान में रखना होगा। वास्तव में यह शरीर से निकलने वाली प्रज्वलित किरणें हैं जिसकी ऊर्जा हर व्यक्ति में रहती है, और इस आभा मंडल का जो संचालन है हमारे शरीर के 7 चक्र करते हैं, और ये जो 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के सभी अंगों का कहीं ना कहीं संचालन कर रहे होते हैं। सभी अंगों की कार्य प्रणाली हमारे शरीर के 7 चक्रों से जुड़ी हुई होती है, और ये चक्र हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इत्यादि कई कड़ियों से जुड़कर ऑरा के रूप में हमारे वर्तमान दर्पण को तैयार करते हैं। ऑरा के द्वारा हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का निर्धारण कर सकते हैं, और इसी रीडिंग के द्वारा हम तत्कालीन समस्याओं से सही समय पर सही उपचार अपनाकर निजात पा सकते हैं। खास करके शरीर की रक्षा के लिए आभा मंडल और चक्रों की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है, और बहुत मामूली से उपचारों के द्वारा हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, और शारीरिक ही नहीं मानसिक और आर्थिक जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये जानकारी लाभप्रद होगी। मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।